वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइलेंट लेटर्स का पार्ट टू पढ़ेंगे। साइलेंट लेटर्स पर जो पार्ट वन की वीडियो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि ये साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं और इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में जब ये प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं तो इसको रखा क्यों जाता है, क्योंकि ये साइलेंट लेटर बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। उनको पता नहीं रहता कि ये इनको प्रोनाउंस करना है या नहीं करना है, और कई बार इसके कारण बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। तो ये साइलेंट लेटर्स का हमने देखा कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, फिर ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे आए ये भी देखा, और कुछ जो ए में ए कहाँ पर साइलेंट होता है, बी कहाँ पर होता है, सी और डी ये भी देखा, और इनके साइलेंट रहने से हमारे कितने कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। ऐसे वर्ड्स जो होमोफोन्स होते हैं तो साइलेंट वर्ड्स के कारण ही हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ऐसे वर्ड्स जहां पर कि ई साइलेंट होता है तो उससे क्या, उससे वो अपने पहले के वाउल को लॉन्ग कर देता है जिससे कि उसका प्रोनंसिएशन चेंज हो जाता है, और उस चेंज प्रोनंसिएशन के कारण हम उसको उस वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो इंग्लिश अल्फाबेट है ये अल्फा बीटा जो ग्रीक लेटर्स हैं उनसे लिया गया है। इंग्लिश को रोमन में लिखा जाता है, और जबकि हिंदी हम लोग सब जानते हैं इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी में लेखन के आधार पर 52 अक्षर होते हैं जबकि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, तो इसी से समझ में आता है कि हिंदी में कितनी ज्यादा साउंड है। हिंदी में हम लोग हर डबल लेटर को जो जैसा लिखा जाता है वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं, यदि वो दो बार लिखा गया है तो हम उसको दो बार प्रोनाउंस करते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में बहुत सारी साउंड ऐसी हैं, हिंदी की साउंड इंग्लिश में नहीं है। जैसे जैसे हम अपने वीडियो क्लास में आगे बढ़ेंगे तो मैं बहुत ये भी मैं आपको बताती चलूंगी कि जब जब किसी अंग्रेज की नकल बच्चे करते हैं तो वो उस स्टाइल में क्यों बोलते हैं। जैसे जो अंग्रेज की नकल करने के लिए बच्चे बोलेंगे तुम, क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर ता साउंड नहीं है, दैट्स व्हाई वो ता को टा बोलते हैं, वहां पर टी साउंड है, ट साउंड है, तो वो वहां पर ता नहीं बोलते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ कि किसी ने पूछा, एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक इंग्लिश मैन ने, एक अंग्रेज ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो बच्चे ने बताया लड्डू, तो जो उसका रिप्लाई था अंग्रेज का वो था लड्डू, क्योंकि वहां पर डबल डी साउंड नहीं है तो वो एक ही डी को प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहां पर जो साउंड्स हैं वो हिंदी से कम है, इसलिए कुछ साउंड को वहां पर अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। लिखने का तरीका भी अलग है, जैसे कि हिंदी में यहां पर हम लिखेंगे इस तरीके से हिंदी, या आधा ना भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसा, यानी जो हिंदी कैसे लिखी जाती है, इंग्लिश लिखी जाती है लाइन के ऊपर, नीचे लाइन उसके ऊपर, और हिंदी कैसे लिखी जाती है लाइन के नीचे। तो दोनों भाषाओं का, ये समझाने के पीछे मेरा यही प्रयास था कि आप एक भाषा को दूसरी भाषा से कंपेयर करके उस भाषा की सुंदरता को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हर भाषा अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध भाषा है, उसका अपना लिखने का तरीका है, उसके अपने अल्फाबेट है, उसके अपने प्रोनंसिएशन रूल है। हम इसलिए हिंदी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी को समझ तो सकते हैं, सरलता हो जाती, लेकिन अंग्रेजी की हिंदी से तुलना करेंगे तो हम इंग्लिश को समझने में हमको बहुत कठिनाई होगी। तो आज हम देखते हैं कि पिछले वीडियो क्लास में हमने देखा था कि ए कहाँ पर साइलेंट होता है, बी कहाँ पर होता है, सी कहाँ साइलेंट होता है, और डी कहाँ पर साइलेंट होता है, यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें ए या बी या सी या डी साइलेंट होता है। आज हम लोग देखेंगे कि ई कहाँ पर साइलेंट होता है। तो जो साइलेंट ई है यदि किसी वर्ड के अंत में आता है तो जनरली, हमेशा नहीं, जनरली जो ई है इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, इसका उच्चारण, क्योंकि ई का उच्चारण क्या होता है, ओ, तो वो प्रोनाउंस नहीं होता है। कैसे, बिफोर, देखिए यहाँ पे ई का कोई उसको प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल, एल ही प्रोनाउंस हुआ, ई प्रोनाउंस नहीं हुआ। राइट, यहां पर भी ई साइलेंट है। क्यूब, क्यूब में
में मैंने आपको बताया था कि एक होता है कब, जब यहां पर साइलेंट ई जुड़ गया तो ये अपने से पहले वाउल को लॉन्ग कर देता है, क्यूब। अब हमको कब और क्यूब में मीनिंग क्लियर समझ में आ जाएगा इस साइलेंट ई के होने के कारण। ब्रेड ई अंत में, चांस यहां पर भी ई साइलेंट है, चेंज यहां पर भी ई साइलेंट है और यहां पर भी ई साइलेंट है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर कि ई साइलेंट होता है। दूसरा, जो जब ई साइलेंट होता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे वर्ड्स में अपने पहले के वाउल को लॉन्ग कर देता है। ये मैंने आपको इसके पार्ट वन में भी, जो जब मैंने ये समझाया था कि साइलेंट लेटर की जरूरत क्या है, यदि उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता तो उनको वर्ड्स में रखा क्यों, तो एक आवश्यकता ये है कि ये साइलेंट होकर अपने से पहले वाले वाउल को लॉन्ग कर देते हैं, जिससे वो अपने जैसे दूसरे वर्ड से उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है और हमें वो लिखने में, सुनने में और बोलने में समझ में आता है। कैसे, जैसे लाइक, लाइक ई आया तो ये लाइक, ये आई लॉन्ग हो गया। नेम देखिए, ई साइलेंट है लेकिन नेम अ साउंड को लंबा कर दिया। फेट, जैसे फेट है, यहां पर एक वर्ड होता है फैट, जब उसमें ई साइलेंट हुआ तो ये क्या हो गया, फेट। तो हमें फैट और फेट में सुनने पर ही अंतर समझ में आ गया। हेट, ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक वर्ड है हेट और यदि इसमें ई साइलेंट होगा तो क्या हो जाएगा, हेट। यानी हेट और हेट को यदि हम सुनकर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो वहां पर ये हमको ई ही हमारी हेल्प करता है, साइलेंट ई। फैट, हेट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप इंग्लिश की कोई भी किताब ले लें, किसी भी लेवल की ले लें, जूनियर लेवल की ले लें या कोई भी पुरानी किताब ले लें, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जहां पर कि ई साइलेंट होता है या फिर ई के कारण पहले वाले वाउल का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, जिससे कि वो वर्ड हमें सुनकर समझ में आ जाता है और हम सही सही लिख लेते हैं। इसके आगे हम लोग और भी अभी बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स पढ़ेंगे, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़े से और वर्ड्स देखते हैं जिनमें कि अलग अलग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर साइलेंट रहते हैं। ये देखते हैं कि जी कहां पर साइलेंट रहता है। यदि जी के पहले एन हो या एम हो तो वहां पर जी साइलेंट होता है। कैसे, ये बहुत सारे जी वाले काफी सारे वर्ड्स मैंने आपको जब जी का प्रोनाउंसिएशन सिखाया था उसमें बताया था, फिर भी यहाँ एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रीन, देखिए यहाँ पर जी के बाद एन आया तो क्या हुआ, ये जी साइलेंट हो गया यहाँ पर। साइन, कॉमन वर्ड है साइन, तो यहाँ पर एन एंड एन के पहले जी, जी साइलेंट। डिजाइन, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, ये जी यहां पर साइलेंट है। फॉरेन, एन के पहले जी आया, जी साइलेंट है। अलाइन, नेश, ये जो शुरुआत में वर्ड बन में जी और एन आया तो जी साइलेंट है, यहां पर एन से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नाश। यहां पर भी जी साइलेंट है, यहां पर भी जी साइलेंट है, एन से प्रोनाउंसिएशन होगा, क्योंकि जो ये साउंड है रीजन वही है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो को बहुत ध्यान से सुना तो रीजन वही है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये जी और एन वाली साउंड नहीं है। किस पर, जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर ये दोनों वर्ड, दोनों जो लेटर्स हैं उस वर्ड में आए हैं वहां पर ये साउंड नहीं है, इसलिए क्या किया, यहां पर जी को साइलेंट कर दिया गया। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। कैसे, इग्नोर, अब देखिए यहाँ पर जी, एन के पहले जी आया लेकिन उसको प्रोनाउंस किया गया। इंग्लिश में अपवाद भी बहुत हैं, नियम भी बहुत हैं और उसके अपवाद भी, एक्सेप्शन भी बहुत है। सिग्नेचर, साइन में जी साइलेंट है लेकिन सिग्नेचर में जी साइलेंट नहीं है, उसको प्रोनाउंस किया जाता है। मैग्नेट, यहां पर भी जी और एन है तो उसको प्रोनाउंस किया जाता है। यदि वाउल प्लस जी और एच हो, यदि पहले वाउल आए और फिर जी और एच आए तो वो जी एच साउंड साइलेंट हो जाती है। कैसे, लाइट, देखिए लाइट में जी एच साइलेंट है, यहां पर आई पहले। हाय, यहां पर जी एच साइलेंट है, पहले एक वाउल आई है
नाइट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ये मैंने आपको जब जी का प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बताए थे उस समय भी मैंने ये आपको बताया था, तो आप उस वीडियो में जाकर भी इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में एच, एच कहां पर साइलेंट होता है और कहां पर नहीं होता है। जनरली सामान्यतया हमेशा नहीं, डब्ल्यू के बाद एच आता है तो फिर एच साइलेंट होता है। कैसे? वॉट, देखिए वाट नहीं बोला जाता, कई लोग बोलते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं बोला है। वॉट, वाई, वाइट, वाइट नहीं बोला, वाइट। वेयर, वेयर, ये भी हमको ई भी यहां पे साइलेंट, आपको मैंने ये आर के प्रोनाउंस को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है उसमें बताया था। वेन, विसल, यहां पर टी भी साइलेंट है, विसल। लेकिन कई ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं जहां पर कि एच साइलेंट नहीं होता है। कैसे? हुज, यहां पर डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा, हुज, हु, डब्ल्यू साइलेंट है, एच को प्रोनाउंस किया जा रहा है। होल, यहां पर एच को प्रोनाउंस किया जा रहा है। फिर कुछ और वर्ड्स होते हैं जहां पर कि एच साइलेंट होता है। आर, घंटे के लिए बोलते हैं। ऑनर, हॉनर नहीं बोला जाता है, ऑनर बोला जाता है, तो यहां पर एच साइलेंट है। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें आर एच आता है वहां पर भी एच साइलेंट होता है, जैसे कि राइम, इसको राइम नहीं बोला जाता है, यहां पर एच साइलेंट है। रिदम, रिदम में भी एच साइलेंट है, उसको रिदम, रिदम नहीं बोला जाता है। तो ये हमने क्या देखा कि कहां पर जी साइलेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी और एच, क्योंकि जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहां पर ये एच साइलेंट बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है क्योंकि वहां पर एन आर्टिकल आ जाता है। तो एच साइलेंट और जी साइलेंट, और इनके एक्सेप्शन भी है, इनके अपवाद भी है, कारण वही है जो हमने जो फर्स्ट वीडियो क्लास में देखा था। तो इनको आप नोट कर लें, इनको प्रोनाउंस करें बार बार और इन पर प्रैक्टिस करें, जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि के कहां साइलेंट होता है। एक और मजेदार बात मैं यहां पे आपको बताती हूँ कि किसी समय पे बहुत पहले ये जो साइलेंट वर्ड्स हैं इनको प्रोनाउंस किया जाता था। नाइफ, यदि आप शब्दों का इतिहास पढ़ेंगे तो कभी इसको कनीफ पढ़ा जाता था। तो जब साइलेंट वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता था तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो थोड़ी फ्लुएंसी में उससे परेशानी होती थी। तो ये भी एक कारण रहा कि जो हमारे ग्रामरियंस थे उन्होंने देखा कि फ्लुएंसी में भी परेशानी है, तो इनको फिर वहां पर साइलेंट कर दिया गया। नाइट, कनाइट बोला जाता था इसको, लेकिन वही कि साइलेंट वर्ड कई बार जो लैंग्वेज है उसको फ्लुएंट नहीं, बड़ा उसका जो प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा हो जाता है, इसलिए भी इनको साइलेंट कर दिया गया। के जब एन, के और एन जब साथ में आते हैं तो के साइलेंट हो जाता है। ये बहुत सारे वर्ड्स आप लोग इससे फेमिलियर है। नाइट, नो, नी, नॉक, नॉट, नाइट, निट, नकल, बहुत सारे केसे वर्ड है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये के साइलेंट कहां से आया इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन की हिस्ट्री में, तो रीजन वही है जो हम लोग पहले जान चुके हैं। इसके बाद में एल, एल कहां पर साइलेंट रहता है। वैसे तो एल साइलेंट के कोई ऐसे नियम नहीं है, फिर भी ये भी एल के पहले ए आए, ओ आए, यू आए, तो फिर वहां पर एल साइलेंट होता है। कैसे? हाफ, देखिए एल के पहले ए आया, हाफ, एल साइलेंट है। यहां पर भी ए है, एल साइलेंट। काम, बाम, ए साइलेंट। चौक, बहुत कॉमन है चौक, एल साइलेंट है। कभी नहीं सोचती कि चौक में एल क्यों लगा हुआ है, जब एल की जरूरत नहीं है तो क्यों लगा हुआ है। तो ये आप जब फर्स्ट वीडियो में बार बार बोल रही हूं उसको बहुत ध्यान से देखिए, तो ये सारी क्वेरीज वहां पर आपकी सॉल्व हो जाएंगी। काफ, एल के पहले ए, शुड, एल के पहले यू, ये सारे वर्ड शुड, वुड, कोड, ये सब किसी समय इनमें एल को प्रोनाउंस, जो साइलेंट वर्ड है उनको प्रोनाउंस किया जाता था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को इजियर बनाने के लिए जो हमारे भाषा विज्ञानी थे उन्होंने बहुत सारे लेटर्स को साइलेंट कर दिया। वुड, एल, ये यहां पर यू है। कुड, ये यू है। तो
तो इस तरह से यदि इन वाउल साउंड के पहले एल के बाद एल आता है तो एल साइलेंट होता है। अब है कि एम कहां पर साइलेंट होता है, एन एल एन कहां पर साइलेंट, तो यदि एम और एन एक साथ हो अंत में हो तो वहां पर एन साइलेंट होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, कॉलम देखिए एम और एन आया तो एम यहां पर साइलेंट है अंत में आए, कॉलम ऑटम ऑटम में भी एम और एन है एन अंत में है तो एन साइलेंट है, डैम एम एन एन साइलेंट डैम, सॉलेम एम और एन साथ में है एन साइलेंट सॉलेम, कंडेम हिम, तो यहां पर यदि एम और एन साथ में है और अंत में है तो वहां पर एन साइलेंट होता है। जल्दी से आप इन वर्ड्स को नोट कर लें, ये साइलेंट इनमें ऐसे वर्ड जिनमें कि लेटर साइलेंट होते हैं उनको आप नोट करें, फिर हम लोग आगे थोड़े से और आज वर्ड्स पढ़ेंगे जहां पर कि कुछ लेटर साइलेंट होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पी कहां साइलेंट होता है। यदि पी के साथ एस आए टी आए एन आए और कहीं कहीं पर बी आए तो भी पी साइलेंट होता है। कैसे, साम देखिए यहां पर पी और एस आया, एल भी साइलेंट है। अब ये वर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, साइकोलॉजी पी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, कबर्ड देखिए यहां पर भी पी साइलेंट है, कब बोर्ड नहीं बोला जाएगा कबर्ड बोला जाएगा, रसबेरी यहां पर पी और बी है इसको रास्प बेरी नहीं बोला जाएगा रसबेरी, रिसीट यहां पर पी साइलेंट है रिसीट, फिर निमोनिया पी के साथ एन आया इसको क्या बोलना है निमोनिया बोलना है, इसमें पी को प्रोनाउंस नहीं करना है। इंग्लिश में फ साउंड है एफ साउंड है लेकिन फिर भी पीएच से भी एफ बनाया, कैसे एलिफेंट फोटो फोटोग्राफ फोटोग्राफर, तो एफ साउंड के होते हुए भी पी से भी पीएच को बना के फिर एफ बनाया, तो ये भी एक कहना चाहिए कि यहां पर ना पी की साउंड है ना एच की साउंड है वहां पर एफ की साउंड है। इसके बाद में ओ कहां साइलेंट होता है, वैसे तो ओ साइलेंट के कोई ऐसे खास नियम नहीं है लेकिन फिर भी देखिए इन वर्ड्स में पीपल पीपल, अब ये पीओ पल नहीं बोला जा रहा पीपल, कंट्री कंट्री में तो ना ओ है ना यू है कंट्री, लेपर्ड इसको लियोपार्ड नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे लेपर्ड, ओ साइलेंट है, फेवर फेवर आर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको आर का प्रोनाउंसिएशन सिखाया था कि लास्ट में यदि आर आए तो वो साइलेंट होता है, यहां पर ओ भी साउंड है, फेवर फेवरेट फेवरेट ये जो ई भी साइलेंट है और यहां पर ओ भी साइलेंट है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन, पॉल्यूशन इसको पॉल्यूशन नहीं पॉल्यूशन, इस वर्ड को देखें इस वर्ड में ओ साइलेंट है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है कर्नल कर्नल, कारण वही है आप इसको डिक्शनरी में देखिए ये कितनी भाषाओं से इंग्लिश में कितनी भाषाओं से होता हुआ इस रूप में इंग्लिश में आया, तो यहां पर जबकि आर नहीं है तब भी इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है कर्नल, ओ प्रोनाउंस नहीं किया जाता दोनों जगह आर किया जाता है। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कि बहुत सारे लेटर्स साइलेंट रहते हैं, कुछ रूल को फॉलो करते हैं कुछ रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन एक चीज कि वो हमें उनको प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती क्योंकि हमें वो वर्ड्स पता ही नहीं है, अब उनको यदि सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करें तो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे वर्ड लिए जिनमें कि कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, आप ऐसे और वर्ड्स को ढूंढिए उनको पढ़िए उनको प्रोनाउंस कीजिए ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्मूथ हो जाए फ्लॉलेस हो जाए और आपका इंग्लिश बोलने का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़े थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाए। आगे के वीडियो में कुछ और वर्ड्स देखेंगे जिनमें कि लेटर साइलेंट रहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।